ईश्वर सत्य है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन जो तुझा है। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सुंदरं। सत्यं शिवं ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। राम अवध में, राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा वृंदावन में। दया करो प्रभु देखूं इनको, दया करो प्रभु देखूं इनको। हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम। सत्यं शिवं सुंदरम्, सत्यं शिवं सुंदरम्, शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं।
Namaskar friends, this is Sameer and this is Deepali. We are coming live to you all the way from Mumbai, all the way from India. And today we are here to celebrate the Canada Diwali Razzmatazz 2020 virtual festival, which is being organized by the Indo-Canada Arts Council. You all know what a wonderful job this organization has been doing for your community for so many years. And ek special baat ye hai ke Ajay Modi jo is festival ke sanchalak hain, wo hamare acche mitra hain aur kai saalon se hum ek dusre ki touch mein bhi hain. Aur बहुत बार ऐसा हुआ है कि बस डेट फिक्स हो रही है, हम आ रहे हैं और किस कुछ कारणों की वजह से हम नहीं आ पाए. लेकिन देखिए, संजोग की बात है कि आज पहली बार हम लोग वर्चुअली इस फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं. तो लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट दिस फेस्टिवल. इट्स फंडेड इन पार्ट बाय सेलिब्रेट ओंटेरियो, अ फंडिंग प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओंटेरियो एंड कैनेडा हेरिटेज. एंड इट इज़ held annually at Brampton, Mississauga and the Niagara Falls, and this time it is being held without any physical boundaries, straight to your hearts and your home through this virtual medium. To dosto, ek gana humne pesh kiya. Aaj hum aise hi kuch melodious, fast, heartwarming numbers lekar Mumbai se hamari beautiful musician team ke saath aap logon ke samne aaye hain, and we do hope that you really really enjoy our presentation. So Deepali, are we ready for the next song? Ah,
रिम झिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा, रिम झिम बरसता सावन Thank you so much, friends. Aur iske baad, I want to come to a song, which is a song from the 90s. Deepali, do you like the songs of the 90s? Of course, Aashiqui, Sajan, Dil Hai Ke Manta Nahi. And this is from Sajan. And Nadeem Shravan, Jatin Lalit, what wonderful music they created, right? So, jo log kehte hain ki sirf purane gaane hi acche hain, wo main nahi manta. Of course, old is gold. Lekin, 90s के गाने, कुछ 2000 के गाने, कुछ अभी के भी गाने काफ़ी काफ़ी मेलोडियस और सुरीले होते हैं। और आप एक मज़ेदार बात जानते हैं कि इससे पहले जो गाना गाया और अब जो गाना हम पेश कर रहे हैं, अगर क्लासिकली देखा जाए तो सेम थाट का गाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम फिल्म साजन का ये गीत अब आपके सामने पेश कर रहे हैं। जिए तो जिए कैसे है बिन आपके, जिए तो जिए कैसे है बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके।
तो जिए कैसे, है बिना आपके जिए तो जिए कैसे, है बिना आपके। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, इसके बाद मैं फिर एक बार थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा हमारे आज के इस फेस्टिवल के बारे में। आप सब लोग जानते हैं, मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूँ, कि ये फेस्टिवल जो है ये थैंक्स टू अजय एंड रतिका मोदी है, एंड वी थैंक देम फॉर पुटिंग द फेस्टिवल टुगेदर एंड प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द म्यूजिशियंस अराउंड द वर्ल्ड लाइक अस टू पार्टिसिपेट एंड कम and entertain you across the seven seas. So Ajay ji, thank you so much. आपके साथ काम करने का हमारा सपना आज पूरा हो रहा है, and I'm sure इसके बाद बहुत ऐसे opportunities आएंगे जब हम Canada आकर के हमारे musicianों के साथ आपको ऐसे ही और इससे भी ज़्यादा entertain करेंगे. So दोस्तों, now let's go to the next song. You know what? In all my shows, I always like to experiment. And what do I mean by that? मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ अलग करूँ, और मुझे एक एक्सपेरिमेंट ख़ास पसंद है, और वो है लता जी के गाने गाना। शायद ही ऐसा इंडिया में कोई सिंगर हो जो लता जी को सिंगिंग का भगवान नहीं मानता हो, और मैं भी कुछ अलग नहीं हूँ। मैं हमेशा जब जब मुझे मौका मिलता है लता जी का एक गाना कम से कम स्टेज पर पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आज मैं वही करने जा रहा हूँ। फिल्म एक दूजे के लिए का एक बहुत सुंदर गीत है, आनंद बख्शी साहब ने लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक, और ये गाना मैं जानता हूं आप लोग बहुत ही पसंद करेंगे। गाइस रेडी? कोशिश करके देख ले, दरिया सा सारी दिल की लगी नहीं बुझती, बुझती है हर चिंगारी।
बदनाम हम हुए। उस शहर उस गली उस घर को सलाम, जिसने हमें मिलाया जिसने जुदा किया, उस वक्त उस घड़ी उस गजर को सलाम। है प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम Thank you so much. And once again, let me now invite Dipali Somaiya ji back on stage. Aiye Dipali ji. Thank you. The next song that I'm going to present in front of all of you all is, I actually call it the national anthem of any show. बिकॉज चाहे हम इंडिया में परफॉर्म करें कहीं भी एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये गाने की फरमाइश ज़रूर आती ही आती है। इसीलिए क्योंकि आज हम वर्चुअली आ रहे हैं और आप फरमाइश तो कर नहीं पाएंगे, बट आई एम श्योर आप लोगों को ये गाना बहुत ही पसंद होगा और हर एक प्रोग्राम में इसकी फरमाइश आती ही आती है। इट इज़ द एवरग्रीन कॉम्पोजिशन ऑफ मदन मोहन साहब एंड संग बाय माँ सरस्वती लता मंगेशकर जी। तो पेश कर रही हूँ फिल्म वो कौन थी का गाना, एंड इसका सिग्नेचर जब शुरू होगा इसका म्यूज़िक, आप समझ जाएंगे मैं कौन से गाने की बात कर रही हूँ। जागने के फिर हसीरा
So friends, let's call Sameer ji on stage again. Please come, thank you, Sameer thank ji. You so much. Thank you so much, guys. So are we now ready for some duets? Yes. बहुत अच्छा सोलो गाया तुमने दीपाली, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स लग जा गले. इसके बाद एक बहुत ही सुरीला रफ़ी साहब का एक गाना है, इसको गज़ल नहीं कह सकते एक्चुअली, क्योंकि इसका जो वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रेशन है वो गज़ल के लिए तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन इसका जो इसके वर्ड्स जो है, कॉम्पोजिशन है, वो काफ़ी गज़ल नुमा है, राइट? जी, और इसको एक्चुअली तीन सिंगर्स ने गाया है. रफ़ी साहब ने गाया है, मनहर उदास जी ने गाया है और हेमलता जी ने गाया है. करेक्ट करेक्ट. सो वी आर गोइंग टू प्रेजेंट दिस इन आवर ओन वे नाउ. स्टार्ट.
थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. बड़ा फन सॉन्ग दीपाली ने. ये गाना बहुत दिनों के बाद हमने स्टेज पर गाया और कितना अच्छा बजाया हमारे सभी साथी कलाकारों ने. संजय मराठे एंड टीम, सबके लिए ज़ोरदार एक बार तालियां हो जाए. और ऐसे ही कुछ बहुत ही मेलोडियस, बहुत ही फन, बहुत ही हार्ट रेंचिंग नंबर्स हम आपके लिए लाए हैं आज. और इसके बाद एक बहुत ही सुंदर गाना हम लोग आपके लिए पेश करने वाले हैं और वो गाना है फिल्म मासूम का. It's one of the most loved songs, I would say. इसको इसमें जो मेलेडी है, इसमें जो इमोशन है, इसमें जो गुलजार साहब ने शब्द लिखे हैं और पंचमदा आर डी बर्मन साहब ने जो इसकी कंपोजिशन की है वो लाजवाब है. जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं. क्या बात है, ये ऐसा सिर्फ गुलजार साहब ही लिख सकते हैं.
थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, अब जो गाना हम पेश करने वाले हैं, ये फिर एक बार एक एक्सपेरिमेंट है। डरिए मत, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इसमें हमने सिर्फ इतना किया है कि जो लता जी के पार्ट्स हैं वो मैं गाऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब जब लता जी का कोई पार्ट आता है तो मैं बिना गाए नहीं रह सकता, और जो रफ़ी साहब के पार्ट्स है वो आज दीपाली गाने वाली है, राइट? मेरे लिए इसलिए चैलेंजिंग है क्योंकि रफ़ी साहब की आवाज़ और एक शेर की तरह गाते थे वो, तो वही स्टाइल को मुझे कॉपी करना पड़ेगा, बट मैं कोशिश करूँगी अपनी तरह अपने अंदाज से गाने की। चलिए, बहुत ही सुंदर गीत है फिल्म इज्जत का, रफ़ी लता कॉम्बिनेशन विद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये दिल तुम भिन कहीं लगता नहीं हम क्या करें। चलिए, ये दिल तुम कहीं लगता नहीं हम क्या करें, ये दिल तुम कहीं लगता नहीं हम क्या करें, तसव्वुर में कोई बसता नहीं हम क्या करें, कह दो अब ए जाने वफा हम क्या के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा, किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा, निगाहों को झलक दे दे के छुप जाना जचता नहीं हम क्या करें, तू ही कह दो अब ए जाने वफा हम क्या लगता नहीं हम क्या करें।
समीर, व्हाई डोंट यू सिंग वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स? व्हिच वन? मेरे गुरु श्री कल्याण जी आनंद जी का गाना. ओह श्योर. फिल्म गीत का. जरूर, मुझे वो गाना बहुत पसंद है, तो मैं वो गाना पेश करता हूँ. ओके, थैंक यू सो मच. गाइज, यू रेडी? चलिए, ये फिल्म गीत का गाना है. आनंद बख्शी साहब के लिरिक्स हैं. कल्याण जी आनंद जी और रफ़ी साहब ने इसे बहुत ही शिद्दत से गाया है. मेरे मितवा मेरे मीतरे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीतरे. चलिए. मेरे मितवा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा मेरे मीत रे. आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. और इस गाने के बाद मैं फिर एक बार दीपाली को इनवाइट करता हूं. दीपाली, प्लीज कम ऑन स्टेज. प्लीज गिव हर अ बिग बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीबॉडी. आई एम श्योर आप अपने घरों पे अप्लॉज दे रहे हैं. और दीपाली, इसके बाद तुम क्यों एक ब्यूटीफुल सोलो क्यों नहीं परफॉर्म करती, जो मुझे एक बहुत पसंद है. एस डी बर्मन साहब का गाना है जो तुम बहुत अच्छा गाती हो. यू नो विच वन इट इज? रंगीला रे. सो वो मैं चाहता हूँ कि वो गाना तुम गाओ. थैंक यू सो मच. सो समीर ने आपको बताया, पेश कर रही हूँ ये गाना. रंगीला रे, हे रंगीला, रंगीला
अब स्टेज पे बुलाना चाहूंगी समीर जी को. प्लीज कम ऑन स्टेज समीर जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो अगला गाना आई थिंक दीपाली एक बहुत ही बेहतरीन फिर एक बार रफी साहब और लता जी का गाना है. तो अगर सब लोग तैयार हैं तो अगले गाने की ओर बढ़ते हैं. ये एक्चुअली जो गाना है ये रफी साहब ने सोलो गाया है और लता जी ने भी सोलो गाया है. तो हम इसको डुएट बना के गा रहे हैं क्योंकि हम दोनों को ही ये गाना बहुत पसंद है. हमारे घर में एक्चुअली एक मैं बात बता दूं कि हम लोग किसी भी बात पे लड़ते नहीं हैं. ना ये
कभी कुछ मांगती है, ना कोई फॉरेन ट्रिप के मांगती है, ना कुछ ज्वेलरी मांगती है, ना कुछ भी नहीं मांगती, सिर्फ कहती है कि नहीं ये गाना मैं गाऊंगी। गाने के ऊपर बहुत लड़ाइयाँ होती है। तो सिंगर से शादी करने की यही सजा है कि हमारे लिए तो म्यूजिक ही दौलत है। तो इसीलिए हमने वो मिडिल पाथ चुना है कि अगर नहीं बन रही है तो ड्यूएट करके गा लो, खत्म करो कहानी को। चलिए वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे वादियाँ चुराओगे तन तुम किसी बात से जब चुराओगे तन तुम किसी बात से शाखे गुल छेड़ देगी मेरे हाथ से अपनी ही मच एवरीबॉडी। और फिर एक बार मैं कह दूं, आई वांट टू से थैंक्स टू अजय मोदी, रतिका मोदी एंड द इंडो कनेडियन आर्ट्स काउंसिल, जिन्होंने ये राजमटास दिवाली फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। 2020 वर्जन इज वर्चुअल, बट कोई बात नहीं, वर्चुअल में भी अपना मजा है। और आई एम श्योर अगले साल हम लोग रूबरू होंगे कैनेडा में और बहुत सारी मस्ती और करने को हमें वहाँ मौका मिलने वाला है। लेकिन अब अगला गीत जो है वो शम्मी कपूर जी का गीत है और एक बहुत ही मज़ेदार गीत, बहुत ही रोमांटिक गीत जो आपको बहुत पसंद आएगा।
थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अब हम आ गए हैं हमारे इस शाम के आखिरी पेशकश की ओर, जो है एक मेडले। दो बहुत ही सुंदर गानों का ये मेडले है और हम इस गाने के बाद आपसे आज अलविदा लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम और आप फिर नहीं मिलेंगे। हम ज़रूर मिलेंगे और मेरा यह अंदेशा है, मेरा ये गैस है कि आई थिंक नेक्स्ट ईयर हम आपसे रूबरू ज़रूर होंगे। अजय मोदी साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने मुझसे बहुत बार कहा है कि मेरी उनकी बहुत इच्छा है कि हम कनाडा आए, आप लोगों का मनोरंजन करें, एंड टू एंटरटेन ऑल ऑफ यू विल बी आवर प्लेजर। सो टुडे दिस मेडले विल बी आवर लास्ट प्रेजेंटेशन एंड आई होप यू एंजॉयड दिस इवनिंग एंड ऑल्सो आवर सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स। सो गाइज, इफ यू आर रेडी, लेट्स गो टू द लास्ट प्रेजेंटेशन टुडे। तुमसे मिल के ऐसा लगा, तुमसे मिल के अरमां हुए पूरे दिल के। तुमसे मिल के ऐसा लगा, तुमसे मिल के अरमां हुए पूरे दिल के। ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है। साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा, तुमसे मिल
अपना ये वादा रहा, तुमसे न होगी जुदा, तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, ये चंचल हवा, ये चंचल हवा। Thank you so much, everybody. I hope you had a great, great evening. And once again, a big, big thank you to Razzmatazz Diwali Festival 2020, organized by Indo-Canadian Arts Council, Ajay Modi, Ratika Modi. And thanks to all you lovely people who watched us today, applauded us, and had so much fun with us. So, bahut jald hum phir ek bar aapke rubaru honge. इसी तरह और इससे भी ज़्यादा आपका entertainment करने के लिए, तब तक के लिए, शब बखैर. Good night and Shubh Ratri.